हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीज गुरुजी पर। सेकंड ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, भर्ती इसकी निकल चुकी है और अच्छी खासी भर्ती निकली है। बहुत सारे पद हैं। सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर यह हो रही है कि आप विचलित हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि बहुत से स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी करें। और बहुत से स्टूडेंट ये हैं जिस तैयारी करने का उन्होंने मन बना लिया है, लेकिन हो क्या रहा है, उन्हें दूसरी भर्ती दिख रही है कि सर यहाँ से अच्छा तो यहाँ मिल रहा है, फिर इसकी तैयारी क्यों ना करें, इसमें तो इतना कुछ हमें पढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों, इन सभी गलतियों और इन सभी सवालों के साथ ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा और आपके सारे कंफ्यूजन जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे कमेंट मेरे को मिल रहे थे, सर इसके बारे में कोई वीडियो बनाइए, इसके बारे में कोई वीडियो बनाइए, तो आज ये वीडियो मैंने बना दिया है। एक बात मैं यहाँ पे वीडियो के प्रारंभ में कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ एक पार्ट जो है मोटिवेशनल होगा, कुछ एक पार्ट आपको स्ट्रेटेजिकल बताया जाएगा और कुछ एक पार्ट वो होगा जो अखबारों में कई जगह छपे रहते हैं कि बहुत अच्छी बातें लिखी होती है कि इस प्रकार से पढ़े, इस प्रकार से नहीं पढ़े। वो आपको ध्यान उसमें जाता है कि नहीं जाता है, अगर आप अखबार पढ़ते हो तो पता होगा। तो उस प्रकार के संपूर्ण जो टिप्स हैं वो यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पिछली बार पेपर किस प्रकार का आया था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, पेपर के अंदर कितनी माइनस मार्किंग थी और क्या क्या लेवल प्रश्नों का था, वो भी बात हम करेंगे। किस प्रकार से आपको प्रश्न में जाना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो भी यहाँ पर हम बात लेंगे। दूसरी बात, किस सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है, किस सब्जेक्ट को आपको कम पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, उस प्रकार की सारी समस्त जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर किसी भी एग्जाम को आपको फाइट करना है तो कुछ एक बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने शायद यही गलतियां करी होगी अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप मेरी रिकमेंडेशन पर, अगर मेरे को कुछ मानते हैं, तो प्लीज आप नोटिफिकेशन को पढ़ें। जब तक आप नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते तब तक आपको प्रॉपर जानकारी नहीं लग पाती किसी भी वैकेंसी की। कई बार क्या होता है, पहले तो ऐसा होता था कि नोटिफिकेशन को कोई पढ़ते नहीं थे, सीटें देखी, कितने पद हैं, फॉर्म फिल कर दिया, योग्यता भी बहुत कम देखते थे। आजकल क्या होगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद आपको स्वयं को नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। कारण क्या है, उससे आपको पता चलता है किस प्रकार से ये पेपर होने वाला है, कंडक्ट कैसे होगा, क्या क्या चीजें इसमें होगी। नंबर दो, अगर मैं बताऊं, नंबर दो में यहाँ पर बात आती है कि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सबसे पहला आपका क्राइटेरिया होता है बुक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सही बुक का चयन करना, सही स्टडी मटेरियल का चयन करना, सही अगर आप कहीं कोचिंग में जाते हैं, कहीं यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे बेहतर बुक होना चाहिए। जब तक आपके पास बुक नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो बुक के बाद फिर जितनी स्ट्रेटजी आती है, किस प्रकार से पिछले साल का पेपर आया था, वो सारी चीजें तो अभी यहाँ बताने वाला ही हूँ मैं। लेकिन ये दो चीजें अगर आपने अभी तक भी नहीं करी है तो पहले इनको करें, अदरवाइज कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। एक तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी एग्जाम में, हालांकि राजस्थान में इतने एग्जाम निकले हुए हैं, इतनी भर्तियां निकली है, पता नहीं भर्तियों की बाढ़ आ चुकी है, भारत में भी ऐसा ही हो रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे बेरोजगारी है, तो सरकार कहीं ना कहीं वोट लेने के लिए तो यही करेगी और क्या करेगी। तो सबसे बेहतर बात यही है कि आप कैटेगरी के लिए डिसाइड कर लें कि मेरे लिए ये अच्छा है। भाई होता है ना, जूस की दुकान पे जाते हैं, इतने सारे फ्रूट्स वहां पर रखे होते हैं, गन्ना है, केला है, आम है, लेकिन आप कहते नहीं यार मेरे को तो पपाया सेक दे दे, पपीता का सेक दे दे, मैं उसको पी लूंगा। तो क्या मतलब, आपको डिसाइड करना है, समझ रहे हैं आप, टेस्ट सभी में है, सभी फ्रूट्स है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि हाँ सेकंड ग्रेड मेरे लिए या मैं सेकंड ग्रेड के लिए हूँ। अगर ऐसा डिसाइड है तो सफलता मिलेगी, अगर नहीं है तो भैया कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन जहां भी होता है दिक्कत होती है। तो इन्हीं कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार सब्जेक्ट का कंफ्यूजन आपका होता है, पूरे वीडियो में यही बातें चलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का पेपर आपका, ये हिंदी का पेपर था वैसे, 300 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। संपूर्ण बात करेंगे किस प्रकार से दो पेपर आपके होते हैं, प्रथम और सेकंड दोनों के बारे में। ये दूसरा पेपर था और हिंदी का पेपर था, इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको सबसे पहले जाके ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, टाइम मिलता है आपको इनको पढ़ने का, ये पॉइंट जरूर पढ़ना। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, दो एग्जाम हुए थे, एक संगणक का, एक सूचना सहायक का। उसमें कुछ एक स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं सूचना सहायक के एग्जाम में कि ये पॉइंट में क्या लिखा है, उसमें लिखा ही नहीं था कि माइनस मार्किंग है, उन्होंने पढ़ा नहीं और दे दिया और आधे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो उन्हें लगा कि माइनस मार्किंग होगी, ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको ये पढ़ना होता है, उसके बाद ये तो खैर पता चली, इसमें तो होता है, ये 1/3 होता है, सबको पता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जो अब देख सकते हैं, तो इतने टफ क्वेश्चन तो ये नहीं है। इसका मतलब एक आप समझ रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि आप इसको फाइट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये पेपर को आप फाइट कर सकते हैं, और इस कंडीशन में जहां पर इतनी वैकेंसीज निकली हुई है, उस कंडीशन में ये पेपर बहुत इजी हो जाता है। मैं कभी भी किसी पेपर को इजी नहीं पता था, लेकिन पहली बार इस पेपर को इजी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस सब्जेक्ट के बारे में से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे जिस सब्जेक्ट को आपको आता है। आपके पास रेंडमली छूट है, वो सब्जेक्ट तो आपने सबसे बार पढ़ा है, अगर उसमें आप नहीं कर सकते तो किसमें करेंगे भाई। SSC का पेपर देखा है ना, अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी मैथ पढ़ता है, मैथ वाला स्टूडेंट भी GK पढ़ता है, कितना उल्टा होता है जनरल साइंस। तो आपको अभी यहाँ पर वही पढ़ाया जा रहा है ना जो आपको आता है। अब आप कहेंगे सर प्रथम प्रश्न पत्र भी तो होता है, तो दोस्तों उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर है। परीक्षा में कुल 500 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको,
टोटल 500 नंबरों से आपकी लड़ाई है, कैसे भी करके इन 500 नंबरों को अपना दुश्मन बना लेना है, इनको हराना है और आपको जीतना है। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये पक्का कर लेना चाहिए कि हाँ इस भर्ती के लिए मैं हूं और मैं ही हूं। इतने सारे और होंगे, वो होंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं हूं, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता इस भर्ती का तब तक मैं रहूंगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी अभी ये एग्जाम फाइट करना वो वाली बात नहीं जो पिछले पहले होता था, फॉर्म भर दिया, नंबर आ गया, पता ही नहीं स्टूडेंट को, अखबार में उसका नाम निकल रहा है, वो जमाना गया। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, हर एक एग्जाम को एक जंग की तरह जीतना पड़ेगा। बेरोजगारी इतनी है कि इस छोटे रवैये से आप पास नहीं हो सकते, आपको एनकरेज लाना पड़ेगा। आपको जहां 1 घंटे आप पढ़ते हो वहां 2 घंटे देने पड़ेंगे, जानबूझ के अपने आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा, कोई आके आपसे नहीं कहेगा पढ़िए, क्योंकि अभी आप इस उम्र में नहीं हो, आपकी उम्र बढ़ चुकी है, आप अब युवक हो चुके हो, युवतियां हो चुकी हो, तो उस प्रकार से आपकी एक मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि बिना मैच्योरिटी के सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली बात ये कर ले कि हाँ ये एग्जाम मेरे लिए है और मेरे लिए ही है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सबसे पहला विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए अगर कोई है तो मैं हूं। 500 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पता होगा आपको अगर पहले दिया है, नहीं दिया है तो सब कुछ ये 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पहला प्रश्न पत्र जो आपका होता है वो सामान्य अध्ययन और दूसरा प्रश्न पत्र आपके विषय से संबंधित होता है। डेफिनेटली मैंने यहाँ कहा ना, सबसे पहली बात आप इतने लकी हो कि 300 अंकों को वहां से पूछा जाएगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। अगर मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक है तो मुझे वो आती होगी क्योंकि मैंने मैथमेटिक पढ़ा होगा। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है, बायो है, आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, आपका सब्जेक्ट पब्लिकेट है, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, उसके बारे में तो आपको जानकारी होगी ना। ऐसा थोड़ी कि उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, अरे कुछ तो आता होगा आपको उनके बारे में। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उठा के अगर आप उत्तर में जा रहे हो, आपने देखा होगा कि रेलवे के अभी एग्जाम्स निकले हुए हैं, फॉर्म्स निकले हुए, RRB उसे कहते हैं, RRB के अंदर जो GK होता ना वो पूरा रेलवे का ही GK पूछा जाता है। कौन सी रेल कहाँ से चली, कहाँ से कहाँ जाती, कैसे रेल में क्या होता है, कौन से सिद्धांत लगते हैं, जन्म शक्ति, जन्म स्वाट कौन था, भाप इंजन किस प्रकार बना, और वो किसी भी प्रकार से तकनीकी से संबंधित आ जाते हैं, कई भी प्रकार के, जो मतलब इतना कुछ GK में घुसा दिया जाता है जो कि साइंस का होता है, फिर भी लोग उनकी तैयारी करते हैं, पास भी होते हैं। तो यहाँ पर तो आपको एक हलवा जलेबी मिल रहा है, देख लीजिए, बहुत ईजी है, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है, बस एक बार सोचने वाली बात है, हो सकता है तो कन्फर्म होगा। अरे ये सोच लिया आपने कि नहीं यार इससे बेहतर तो एग्जाम है, मैं क्यों नहीं टैक्स असिस्टेंट का देता हूँ, ये तो बढ़िया है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा चीज आप करना चाहते हैं, और अगर डिसाइड कर लिया है तो फिर आगे बढ़िए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम को देने से पहले उसके बारे में जानिए, उसके मॉक टेस्ट देखिए, उसके पिछले साल के पेपर देखिए, ताकि पता लगेगा ना आपको किस प्रकार से पेपर पूछा जाता है। एग्जाम में जाओगे देखोगे उसी प्रकार की चीजें सब आपको दिखेगी, देन योर पॉजिटिव एनर्जी विल इंक्रीज, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आप कर पाते हैं, अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाते हैं, तो यही तो तरीके होते हैं, और क्या तरीके होते हैं। कोई और कोई जो पास होता है उसके कोई दो सीन थोड़ी होते हैं, वो भी वही होगा जो आपके जैसे इंसान होगा, उसके साथ भी परिस्थितियां, आपके साथ परिस्थितियां। तो देखिए इस प्रकार से आपको करना है, 200 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा, वो पहला होगा, 300 का दूसरा होगा, दूसरा जो है 300 अंक आपको आसानी से आप उसमें अच्छा अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक निर्धारित है, एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न करो 2 अंक कमाओ। तो करना क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र में आपके आएंगे 100 प्रश्न, दूसरे में आएंगे 150, 250 हो गए, 250 के 500 हो गए नंबर, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, किस प्रकार से तैयारी करनी, अब ये ध्यान से सुन लेना, दोनों ही प्रश्न पत्र में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत से टीचर ऐसा बोलते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं बोलता, कि 1/3 माइनस मार्किंग है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, आपको सही सही करना है, आपको अपना लक आजमाना नहीं है, बिल्कुल गलत। 3 तरीके बताऊंगा प्रश्न को करने का, और देख लेना इस 3 तरीकों के बाहर आपका जाएगा ही नहीं। पहला तरीका यह है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है तो उस तरीके से पढ़ाई करिए, यानी कि जो चीज आप पढ़ रहे हो टॉपिक क्लियर करना जरूरी होता है नेगेटिव मार्किंग में। कैसे, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में अगर आपने राणा कुंभा पढ़ा तो पहले राणा कुंभा के बारे में जहां जहां वो गया, जहां जहां वो काम किया, उसके सन सहित पूरा याद करो। मत आओ आप चित्तौड़, राजसमंद में रह जाओ, उदयपुर में रह जाओ, चित्तौड़ में तब पढ़ो जब आपका राणा कुंभा खत्म हो जाए, फिर चित्तौड़ का इतिहास पढ़ो, उसके बाद फिर तुम राजस्थान का और हिस्ट्री पढ़ो। मतलब यह है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे नेगेटिव नहीं आना चाहिए,
अगर उससे नेगेटिव आता है तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग गलत हो सकती है। और जो टॉपिक आपने पढ़ा है इस तरीके से पढ़ा है, वहां पर अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपको लगता है इसमें डाउट है, तो भी आप उसको करें। बहुत से टीचर कहेंगे नहीं करें, डाउट वाले क्वेश्चन को नहीं करें। क्यों नहीं करें भाई? अगर वो क्वेश्चन सही हो गया तो आपको कितना मिलेगा? एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.33% 33% 33 अंक आपके काटे जाएंगे, 0.33 अंक। एक क्वेश्चन सही होने पर आपके कितने नंबर आ रहे हैं? एक नंबर। जबकि अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर तो 2 अंक बनेंगे और 0.66 काटे जाएंगे। तो एक प्रश्न का कितना वेटेज है? परसेंटाइल देखें तो फायदा अटेम्प्ट करने में है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनर्जी रखनी है। क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग है, हमें क्या है कि दो क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही लग जाते हैं, दो ऑप्शन तो कहाँ है, तो ठीक हो जाएंगे, दो गलत लगते हैं, और दो में जब तो वजह चलती रहती है उसमें टाइम बर्बाद करते रहते, दो में से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ो, लग रहा है इसमें बन सकता है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है उसको अटेम्प्ट मत करो, इसका तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन आपने पढ़ा है जिस प्रकार से मैंने बताया वैसे पढ़ा है, उसको डेफिनेट अटेम्प्ट करो। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखो, आपको देखते ही लग जाना चाहिए यह प्रश्न मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको देखते लग रहा है कि प्रश्न को मैं नहीं कर सकता तो उसको छोड़ना है, उसको करना नहीं है। अगर आपको नहीं आता फिर भी आप कर रहे हैं, आपका टाइम जाएगा, आपके नंबर जाएंगे, आपने जो सही किए उनके भी नंबर जाएंगे नेगेटिव में, तो आपको पहले लग जाना चाहिए। और लगेगा कैसे? आप कहेंगे कि मैं तो कह रहा हूँ कि सर लग जाना चाहिए, पर लगेगा कैसे? वो किसी प्रश्न को देखते हैं कैसे लगेगा मेरे को आता है कि नहीं आता, ये तब लगेगा जब आपने उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी या उससे संबंध में थोड़ी सी नॉलेज होगी। तो डेली आप थोड़ा थोड़ा किताबों के संबंध में रहें तो आपको डेफिनेटली लगता रहेगा। इसमें करना क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र में आपके क्या क्या देख लीजिए, राजस्थान का भूगोल आएगा, जियोग्राफी। अब राजस्थान का भूगोल कहते हैं इतना तो डर सा लग जाता है यार, जियोग्राफी तो बहुत बड़ा, इतना कुछ नहीं आता दोस्तों, बहुत कुछ चीजें हैं जो आपके आप जान लोगे ना वही आएगी, इतिहास में वो चीजें आएंगी जो आपने पढ़ी होगी। अब इसे मान के चलो, फील करना पड़ता है, अगर आप पहले से ही नहीं मानोगे तो फिर नहीं हो सकता। ब्लाइंड फेथ एक चीज होती है, आंख मूंद करके विश्वास करना। एक कहानी थी महाभारत की, इसमें एक एकलव्य हुआ करता था, उसने आंख मूंद करके विश्वास किया था कि हाँ यार मैं इस मूर्ति से सीख करके मैं पांडवों को पराजित कर सकता हूं, और उसने कर दिया था। हालांकि फिर बाद में उसका अंगूठा लिया गया, आपको सबको कथा पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो विश्वास कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? वर्तमान में चीजें पॉसिबल हुई है, वर्तमान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वास करके बहुत सारी चीजें हासिल करी है, तो आप भी करिए। भूगोल, इतिहास, संस्कृति व सामान्य ज्ञान के 80 अंक आएंगे, जो कि ये बहुत बड़ा मैटर किसका होता है, राजस्थान का ही है। यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थान का भूगोल, इतिहास। तो आपको सबसे पहली बात, अगर ये कुछ भी नहीं आता ना, दुनिया के बारे में पता नहीं हो, भारत के बारे में पता नहीं हो, अखबार आप पढ़ते नहीं हो, तो कम से कम राजस्थान को ध्यान से पढ़ लेना। एकदम राजस्थान ऐसा होना चाहिए आपका कि उससे कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। 80 अंक का मैटर आने वाला है। राजस्थान की सामयिकी आएगी 20 अंक की, और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान 60 अंक आएगा। अंक और शिक्षा मनोविज्ञान के 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान के बारे में यह है कि मनोविज्ञान की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, ये आपको पढ़ने से ही आएगा, और पढ़ने में भी आपको आपकी आंखें के साथ दिमाग खोल के पढ़ना पड़ता है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में पूछा जाता है कि कोई सिचुएशन किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर कोई बालक है वो मंदबुद्धि टाइप है तो उसको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार के नियम आते हैं, कौन कौन से, तो मनोविज्ञान के बारे में आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं मनोविज्ञान, कुछ एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख डाल दूंगा, बहुत सारे वीडियो लेक्चर हमने भी डाले हुए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए हुए हैं, तो आप उनको कृपया देखें। मनोविज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है वहां पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, 80 तो यहाँ से आगे, 20 यहाँ से आगे, तो राजस्थान का कितना मटेरियल हो गया, 100 हो गया ना, तो राजस्थान को आपको छोड़ना नहीं है, और डेली एक बार पढ़ना। प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में 200 अंकों में से 100 अंक जो है आपका केवल राजस्थान दे रहा है, ये ध्यान रख लेना। तो राजस्थान जो है उसको तो आप घोट के पी लो, राजस्थान, सिर्फ राजस्थान, और आपका पर्सनल सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी सफलता पक्की है। सिर्फ राजस्थान, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपका पर्सनल सब्जेक्ट से अच्छे नंबर आने चाहिए आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, राजस्थान की जो समसामयिकी है ना, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अखबार पढ़ना है। अखबार किस प्रकार से पढ़ना है कि अखबार में आती है खबरें, आज कर्नाटक में सीएम बना, रो बना, तो आपको उस प्रकार से नहीं पढ़ना है, उसको कनेक्ट करना है। कर्नाटक में सीएम बना तो राजस्थान में ऐसी घटना कभी हुई थी क्या, किस प्रकार से हुई थी, कौन थे, इस प्रकार से मत्स्य संघ कैसे बना था, उसका प्रधानमंत्री राष्ट्र, किस प्रकार से आपको देखना है, तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 20 नंबर राजस्थान की जो योजना हो ना, वहां से भी प्रश्न बनेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है राजस्थान में कौन कौन सी योजना क्रियान्वित है, वसुंधरा कहाँ कहाँ जा रही है, जहां जहां जा रही है उसके बारे में तो डेफिनेटली पढ़ ले, वहां कोई योजना है कि वहां से कोई नदी गुजरती है क्या, ध्यान रख लेना इसका, क्योंकि राजस्थान में नदियों से इस प्रकार से करंट से प्रश्न बन जाता है, और प्रश्न होता है ज्योग्राफी का, लेकिन संबंधित तो करंट से हो जाता है।
अभ्यर्थियों को राजस्थान के सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिकों पर पूरा फोकस करना होगा। राजस्थान का तो कब को करना ही करना है, इस भाग पर मजबूत पकड़ बनानी होगी। अभ्यर्थी स्कोर काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं अपना स्कोर को राजस्थान की मदद से। एक साथ कई परीक्षाएं अभी अभी है, तो आपको क्या करना है, भ्रमित नहीं होना, यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक्सपर्ट का कहना यही है कि विद्यार्थी को एक ही परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ एक पर तो नहीं, दो तीन पर कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब जिसका एग्जाम हो तभी तो उसकी करें, और डिसाइड कर ले कि किस प्रकार से कौन कौन से सिमिलर सब्जेक्ट है, क्योंकि भर्तियां बहुत सारी निकली हुई है और ये सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाली है। तो ध्यान रखें एक बार में एक ही परीक्षा की तैयारी करें और ढंग से करें। ऐसा होता है कि 25% इसका पढ़ लिया, 25% इसका पढ़ लिया, 25% महिला सुपरवाइजर का पढ़ लिया, 25% आरएस का पढ़ लिया, 25% सेकंड ग्रेड का पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा। सफलता के लिए नियमित अध्ययन के लिए आपको विषयवार कैलेंडर बनाना चाहिए। मतलब होना क्या चाहिए कि आपको एक टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा मैंने आर एस के बारे में टाइम टेबल बना के दिया हुआ है, और लगभग लगभग मेरा ऐसा मानना है करीबन 50,000 लोग उसको देख चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से, और बहुत ही अच्छा लगा है वो लोगों को। आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पता चलेगा कि टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना है। उसी टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें आप सिर्फ सब्जेक्ट कस्टमाइज करना है और कुछ नहीं करना। कई बार अभ्यर्थी क्या होता है, नोट सहित अन्य सभी पुस्तकों के सहारे तैयारी करते हैं, इसीलिए अभ्यर्थियों को बोर्ड या अच्छे लेखक की पुस्तकों से तैयारी करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे मटेरियल को फॉलो कर लेते हैं, ऐसी किताबों को फॉलो कर लेते हैं, गाइड्स को फॉलो कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि कुछ प्रश्न बनते नहीं है, क्योंकि गाइड्स में इतना कुछ दिया हुआ नहीं रहता है। जहां तक वो मात्र राजस्थान की अच्छी बुकें होती है उनको आप फॉलो करें, उससे क्या होगा कि आपका ये तो पता रहेगा कि प्रश्न यहाँ से आता है। अगर बुक ही आपने गलत ले ली तो फिर कोई नहीं बचा सकता। भूगोल और इतिहास की तैयारी के लिए मानचित्र की जरूर सहायता लें। भूगोल की तैयारी, इतिहास की तैयारी से पहले आप एक मानचित्र लाएं राजस्थान का, उसको लगाएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूवमेंट हो। आपको तो अभी शायद ये भी नहीं पता होगा कि राजस्थान के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो जिनकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लग रही है। ये मैं आपकी मजाक नहीं बना रहा, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पता करना जरूरी है। ये पता आपको रटने से नहीं होगा, मानचित्र से ही होगा। सिकवाल मानचित्रावली एक आती है, उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है, रिव्यू भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है, आप उसको ला सकते हैं। पढ़ी हुई सामग्री आपको याद रहना चाहिए लंबे समय तक, इसके लिए सिकवाल मानचित्रावली आपके लिए मदद कर सकती है। तो सेकंड ग्रेड में इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। एक बात मैं और बता दूं कि सफलता तभी मिलती है जब आप लगन के साथ कार्य करते हैं। अगर आप अभी भी मजाक में लेते हैं सब चीजों को, या ये वीडियो भी आपको मजाक लगता है, तो फिर जिंदगी भी मजाक बन सकती है। तो हमारा तो मानना यही है कि ध्यान से तैयारी करें, और भी कोई दिक्कत या डाउट हो तो कमेंट में लिखे, आपके सारे डाउट सोल्व किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप ये वेबसाइट लिखी हुई है, समस्त स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड हुआ है dsguruji.com, सब समस्त जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप उत्तीर्ण हो यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।